हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या कभी आपने सूजी का हलवा दूध में भिगोकर बनाया है? अगर नहीं बनाया तो आप इसे रेसिपी को एक बार ट्राई कर सकती हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और थोड़ा रसीला भी रहता है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 1 कटोरी सूजी, मतलब हमने पूरी फुल कटोरी भर के नहीं ली, थोड़ा सा हमने कम लिया है 1 कटोरी से। और ये हमने यहाँ पे नॉर्मल वाली सूजी ली है, जिससे हलवा वगैरह बनाते हैं ना, वो वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो उससे आप मेजर कर सकते हैं, फिर किसी कप चाय वाले कप से भी इसे मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग के लिए कोई भी कप या कटोरी को सेट कर ले तो उससे रेसिपी आपकी अच्छी बनेगी। बोल में सूजी को डाल देंगे। कटोरी से सूजी ली थी, उसी कटोरी से हमने यहाँ पे दूध लिया, हमने सूजी नापी थी ना, उसी से हमने दूध लिया है। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी दूध लिया, तो हम इसमें सूजी में दूध को धीरे धीरे डाल देंगे। थोड़ा सा दूध और लिया क्योंकि सूजी दूध या पानी जिसमें भी भिगो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देंगे। तो इसमें लगभग हमने 1/4 कटोरी दूध डाला है टोटल, और ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। और हमने यहाँ पे एक बात आपको बतानी भूल गई कि हमने यहाँ पे दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है, तो आप ठंडा दूध लीजिए या फिर नॉर्मल, गर्म दूध इसमें नहीं डालना है। सूजी फूल जब तक हम अपना दूसरा काम कर ले। हमने यहाँ पे उसी कटोरी से, जिससे हमने सूजी ली, उसी कटोरी से नाप के हमने चीनी ली है। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली थी, तो यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है। अब इसी कटोरी से इसमें 4 कटोरी पानी डाल, चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन लिया हमने, अब इसमें हम 4 कटोरी डाल देंगे पानी। तो दीजिए, हमने यहाँ पे 4 कटोरी पानी डाल दिया है, इसमें 1/2 कटोरी पानी और डाला है, वो हम बाद में बताएंगे कि हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी क्यों डाला है। तो हमें यहाँ पे टोटल 4.5 कटोरी पानी डालना है। पतीले को रख देंगे गैस पे और इसको हम एक बॉईल आने तक पकाएंगे, इसे बहुत ज्यादा हमें कुक नहीं करना है। 3 से 4 इलायची को मोटा मोटा क्रश कर लिए, वो हम इसी में डाल देंगे। इसको इसमें मिला देंगे अच्छे से। यहाँ पे चाशनी एक अच्छा सा बॉयल आ गया है और ये पानी में चीनी घुल गई, बस हमें यहाँ तक पकाना है, इसे ज्यादा से कुक नहीं करना। तो अब क्या करेंगे, हम गैस को कर देंगे, अब यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, दूध इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे कढ़ाई को गर्म किया, इसमें हम डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी। यहाँ पे हमने 1/2 कटोरी घी लिया है। यहाँ पे घी अच्छे से मेल्ट हो गया, तो हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बादाम लिया है और गरी को लंबा लंबा कट किया, और थोड़े से हमने यहाँ पे लिए हैं काजू, तो वो हम इसमें डाल के भून लेंगे। यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं रोस्ट करेंगे, हल्का सा, बस इसका कलर चेंज हो जाए, हमें इतना ही इनको रोस्ट करना है, घी में भूनना है। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, थोड़ी सी अगर आग तेज हो जाएगी तो ये फ्रूट ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हल्के से रोस्ट हो गए हैं, हल्के से भुन गए हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं भूनेंगे, आप इनको निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में जो हमने जो सूजी फुला के रखी थी ना दूध में, वो डाल देंगे। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सूजी को भून लेंगे घी में, जब थोड़ा घी कम लगेगा तो हम घी और डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे। अभी ये थोड़ा सा बना बना सा लग रहा है, जब ये अच्छे से भून जाएगा ना तो एक एक हो जाएगा, घी पूरा एब्जॉर्ब हो गया, तो हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल दे रहे हैं। घी इसमें हम जरूरत के अनुसार डालेंगे, एक साथ बहुत सारा घी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा घी हो जाएगा इसमें। अब इसको भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए, और ये देखिए बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया और ये एक एक हो गया। पहले ये खट्टा सा लग रहा था ना, बंधा बंधा सा, जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ना वैसे वैसे ये अलग अलग होता चला जाएगा, और देखने में कितना ही डिलीशियस लग रहा है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है घर में। जी अच्छे से भून गई, तो हम इसमें सबसे जरूरी सीक्रेट डालेंगे, 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है,
और एक चम्मच घी डाल देंगे तो ये बेसन इसमें अच्छे से भुन जाएगा। इस बेसन को भी इसी सूजी में अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे बेसन और सूजी अच्छे से मिक्स हो गए और ये अच्छे से भुन भी गए हैं, तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, जबकि अभी जबकि इसमें कोई भी कलर नहीं डाला है, इसका नेचुरल कलर है ये। पहले हमने जब इसमें डाला था तब ये कितना बधा बधा सा लग रहा था, देखिए ये बिल्कुल एक एक हो गया भुन के, बेसन सूजी बिल्कुल एक एक हो गई है भुन के और ये अच्छे से यहाँ पे भुन गई है। मिक्सर अच्छे से भुन गया तो हमने जो यहाँ पे पहले चाशनी बना के रखी थी ना वो हम इसमें डाल देंगे। गैस हमें अभी यहाँ पे स्लो कर लेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स होगी तो हम यहाँ पे अब लिड से कवर करके इसको ढक के पकाएंगे। हम इसको बीच में एक बार चला देंगे, देखिए पहले से अच्छे से फूल गया है। ये उटकता तो थोड़ा दूर खड़े होके इसको चलाना है। हमने इसमें आधा कटोरी पानी इसलिए डाला था चाशनी में, 4.5 कटोरी, क्योंकि हमने इसे एक चम्मच बेसन डाला था, बेसन भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए मैं इसमें पानी एक्स्ट्रा डाला था। अब यहाँ पे इसमें बड़े बड़े से बबल्स आने लगे, इसका इंडिकेशन है कि ये परफेक्ट पक चुका है। इसे हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद और इसको हम उतार लेंगे गैस से। ठंडा हो जाएगा ना तो और टाइट हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट है, इसको हम सर्व कर ले रहे हैं। फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे ना वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे तो उसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। मैं तो अपने घर में से एंजॉय कर रही हूँ, आप भी अपने घर में बनाइए, आइए और एंजॉय कीजिए। जी फ्रेंड्स, मेरा हलवा बनके रेडी हो गया है। आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें, अगर ट्राई करने के बाद पसंद आती है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।